फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं टैप साउंड को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड आप इसे स्क्रॉल करेंगे और साउंड एंड वाइब्रेट पर जाएंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और एडिशनल सेटिंग पर जाएंगे। तो एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टैप साउंड को हम यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन पर राइट साइड से क्लिक कर देंगे, यानी कि ऑन कर देंगे। ऑन करते ही आप देख सकते हैं इनेबल होते ही ये देखिए ये साउंड आने लग गई है। तो इसको बोलते हैं टैप साउंड। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।